फोर्थ एलिमेंट ऑफ प्रमोशनल मिक्स इज सेल्स प्रमोशन जहां हमने डिस्कशन किया बाकी मेथड्स के बारे में बाकी एलिमेंट्स के बारे में वहां पर सेल्स uh, प्रमोशन का भी अपना बहुत की रोल है सेल्स प्रमोशन क्या है वो तमाम कम्युनिकेशन जो कि हमने बाकी तीनों मेथड्स में पब्लिक रिलेशन में एडवर्टाइजिंग के अंदर या अभी जो हमने डिस्कशन किया उसके अलावा पर्सनल सेलिंग के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सर्विसेज को सेल करने के लिए गुड्स को सेल करने के लिए कस्टमर को इनक्रेज uh, करने के लिए कि वो प्रोडक्ट बाय करे वो तमाम एक्टिविटीज़ सेल्स प्रमोशन के परस्पेक्टिव के अंदर आती हैं रिटेलर सेल्स प्रमोशन के क्या ऑब्जेक्टिव सेट करता है अपने लिए मैं आपके सामने शेयर करता हूँ तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रिटेलर ये सेट करता है कि उसने सेल्स को इंक्रीज करना है सेल्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो शॉर्ट टर्म सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं जब भी आप सेल्स प्रमोशन करते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव इज अबाउट इंक्रीजिंग द सेल्स देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज अबाउट मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी रिटेलर के लिए बहुत अहम है कि वो सेल्स के साथ साथ लॉयल्टी को भी बिल्ड करता रहे तो जितनी ज्यादा प्रमोशंस आप करते जाएंगे अल्टीमेटली उतना ही ज्यादा आपकी कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड uh, होती जाएगी कस्टमर आपके साथ कनेक्ट रहेगा इंगेज रहेगा और आपको ज़्यादा चांस मिलेगा बिजनेस को इनक्रीज करने का फिर एम्फेसाइज नावल्टी बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऑब्जेक्टिव ये होता है रिटेलर का कि वो नॉवल्टी को बिल्ड कर सके एम्फेसाइज कर सके ऑन दी नावल्टी अगर वो सेल्स uh, प्रमोशन करता है तो ही विल गांस टू मीट दैट ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्लीमेंटिंग अदर प्रमोशनल टूल्स कोई भी ऐसे प्रमोशनल टूल्स जो आप यूज कर रहे हैं हमेशा सेल्स प्रमोशंस उसको कॉम्प्लीमेंट करती है ताकि आपका रेवेन्यू अचीव हो सके ताकि आपकी लॉयल्टी बिल्ड हो सके और आपके स्टोर का इमेज बेहतर हो सके इम्प्रूव हो सके सेल्स प्रमोशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए हैं इस मेथड के इस एलिमेंट ऑफ प्रमोशनल मिक्स के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं लेट मी टेक यू थ्रू वन बाय वन तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करते हैं सेल्स प्रमोशन के एडवांटेज की तो जो पहला एडवांटेज है वो आई कैचिंग अपील है तो सेल्स प्रमोशन इज ऑलवेज आई कैचिंग कोई भी आप डिस्टिंक्टिव थीम डिस्टिंक्टिव टूल डिफरेंशिएटेड टूल यूज़ कर सकते हैं ऑफ प्रोमोटिंग योर सेल्स एडिशनल वैल्यू फॉर द कस्टमर तो जो भी आप ऑफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन दैट इज़ क्रिएटिंग एडिशनल वैल्यू कस्टमर देन इट ऑल्सो हेल्प इन ड्राइंग अ कस्टमर ट्रैफिक इंकरेज करता है कि कस्टमर का ट्रैफिक बिल्ड हो कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड हो इम्पर्स परचेज इंक्रीज हो और कस्टमर के लिए कोई एक्सपीरियंस क्रिएट हो सके कस्टमर के लिए कोई फन क्रिएट हो सके बिकॉज इफ द कस्टमर विल फील होम द कस्टमर विल बाय मोर सो सेल्स प्रमोशन का वन ऑज अदर एडवांटेज इज येट यू कैन क्रिएट दैट इट क्रिएट फन फॉर द कस्टमर डिसएडवांटेजेस के अंदर जो वन ऑफ द की डिसएडवांटेज है वो ये है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टर्मिनेट जब आप कोई सेल्स प्रमोशन लगा देते हैं तो उसको खत्म करना उसको टर्मिनेट करना बहुत ज्यादा डिसलाइकिंग क्रिएट करता है इन द आइज ऑफ द कस्टमर तो रिटेलर को बड़ा कॉन्शियस होकर यह स्टेप लेना है इस एलिमेंट को चूज करना है कि मुझे इस सेल्स प्रमोशन के ऊपर जाना है या मुझे इसको अगर टर्मिनेट करना है तो मुझे किस स्टेज के ऊपर और उसके बदले में क्या ऑफ़र करना है दिस थिंग हैज़ टू बी वेरी मच रेडी विद द रिटेलर देन पॉसिबल डैमेज टू रिटेलर इमेज बिल्कुल होता है जब आप सेल्स प्रमोशंस करते हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका ओरिजिनल इमेज डैमेज होना शुरू हो जाए फिर मोर स्ट्रेस ऑन अदर सेलिंग पॉइंट्स तो ये भी ऐसा होता है कि आपने लट से अगर ग्रॉसरी के ऊपर यू हैव द प्रोमोशन तो मे बी बेवरेजेस uh, के ऊपर डिटर्जेंट्स के ऊपर सोप के ऊपर पाउडर के ऊपर उन तमाम अदर कैटेगरीज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आए सेल्स का जो कि ऑफकोर्स अनजस्टिफाइड होता है सेल्स uh, प्रमोशन के इफ़ेक्ट्स शॉर्ट टर्म होते हैं ऑफ़कोर्स रिटेलर को ये देखना है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट को लेने के लिए मुझे क्या लॉस करना है और यूज एज ए सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्स प्रमोशन नॉर्मली एज ए सप्लीमेंट यूज होती है रिटेलर जहाँ फील करता है कि उसकी एनर्जी लेवल कम हो रही है उसका सेल्स वॉल्यूम ड्रॉप होने जा रहा है उसका सेल्स वॉल्यूम नहीं मिल रहा जो एज़ एक्सपेक्टेड है तो वो सप्लीमेंट ऑफ़ सेल्स प्रमोशन ऐड करता है ताकि बिजनेस हो सके तो ऑफकोर्स जो सप्लीमेंट की कॉस्ट uh, है जो सप्लीमेंट की लाइफ है उसकी इफेक्टिवनेस है वो उस तरीके से नहीं होती है शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिल जाता है तो लेकिन रिटेलर को ये इवेल्यूएट करना है कि मुझे इस एलिमेंट ऑफ प्रमोशनल मिक्स को लेकर चलना है या नहीं चलना तो रिटेलर के पास चारों ऑप्शन हैं प्रमोशन मिक्स की जो हमने डिस्कस की हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग पब्लिक रिलेशनिंग एंड सेल्स प्रमोशन अब उसको ये डिसीजन लेना है कि मुझे इस प्रोमोशन मिक्स को इकट्ठे कैसे लेकर चलना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टर्न ओवर जनरेट कर सकूँ प्रोफिटबिलिटी जनरेट कर सकूँ कस्टमर लॉयल्टी जो है बिल्ड कर सकूँ और एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने इमेज को इम्प्रूव कर सकूं। अगर वो ये सक्सेसफुली करने में कामयाब हो जाता है सो so कोर्स उसकी लाइफ स्पैन उसकी लाइवलीहुड इन द आइज़ ऑफ द कस्टमर वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी इम्प्रूवड होगी और अल्टीमेटली वो रिज़ल्ट करेगी हाई टर्नओवर, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई लॉयल्टी एंड हाई कस्टमर इमेज के अंदर